उत्तराखंड के रामनगर में मोहान के पास स्थित है मोहान IMPCL फैक्ट्री, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल है और वहां के स्थानीय लोगों के साथ साथ तमाम किसानों को रोज़गार देती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर हज़ारों की संख्या में लोगों का रोज़गार उस फैक्ट्री पर जुड़ा है और फैक्ट्री राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों को ही लगातार प्रॉफिट दे रही है। ऐसे में उस फैक्ट्री का निजीकरण किया जा रहा है या उसे बेचा जा रहा है, इसको लेकर के स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लगातार इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हैं, जो खुद इस प्रदर्शन में कई बार शामिल हो चुके हैं और जल्द ही एक बड़ा प्रदर्शन करने भी वाले हैं। सर, मोहान फैक्ट्री को लेकर के आप काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं, अपने जवानी के दौर से लेकर के अपने मुख्यमंत्री काल तक लगातार वहां पर आप गए हैं। सांसद था उस समय, बनी है। शंकरानंद जी आज स्वर्ग में है, नारायण जी आज स्वर्ग में है, उन लोगों के प्रयासों से बनी थी और बड़े सपने थे इसके साथ और वो सपने कुछ सीमा तक साकार भी हुए और हज़ारों छोटे छोटे कलेक्टर, कोई आंवला करता है, कोई हरड़ करता है, कोई और दूसरी चीज़ों का काम करता है, उसकी आजीविका उनके साथ जुड़ी है। जो प्रत्यक्ष रोजगार में है वो तो हैं, जो अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में यदि साइज के हिसाब से देखा जाए तो देश की चुनिंदा पब्लिक सेक्टर यूनिट होगी जो इतना मुनाफा कमा रही है और आप उसको बेच रहे हैं। उसको आप क्योंकि बेचने का उद्देश्य उसको चलाना नहीं है, प्राइवेट हाथों से चलवाना नहीं है, बेचने का उद्देश्य है मोहान की सोने जैसी जमीन, क्योंकि वहाँ रिजॉर्ट बना करके जो मुझे पता चला है कि किसी 4-star 5-star गुजरात को भाई हैं, उनकी निगाह उस पर है, उसके लिए सारा प्रबंध रचा जा रहा है। जो है हम आपने IDPL भेज दी, उसकी ज़मीन का आप ऐसी वो करने जा रहे हो, आपने HMT बंद कर दी, उस अब IMPCL पर आपकी काली निकाय, छोटी यूनिट है मगर भावनात्मक लगाव लोगों का है उत्तराखंड के, हम उसका विरोध करेंगे, पहले भी विरोध किया है और मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ और अपना विरोध दर्ज करूँगा। यदि उसके बावजूद भी सरकार के कदम नहीं रुके तो फिर इसको हम एक बड़ा आंदोलन का मुद्दा बनाएंगे। अब उत्तराखंड और उत्तराखंडियत का अर्थ ये नहीं है कि जो संपत्तियाँ यहाँ की हैं उनको बेच करके चंपत कर दूँ और उसको पूंजीपतियों के हवाले कर दो हमारी जमीनों को। जो केंद्र का तर्क ये है उसको निजीकरण करने को लेकर के, जो उसका मैनेजमेंट है निजी हाथों में जाने के बाद और भी अच्छा होगा, जो स्थानीय लोग हैं उनको और अच्छा रोजगार मिलेगा, इसको लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरह से केंद्र तर्क दे रहा है कि ये न्याय संगत है, एक उदाहरण बता दो ना कहीं और ये कुछ नहीं है, ये निजी क्षेत्र को जो है होटल के लिए, रिजॉर्ट के लिए उस जखोर को देना है, जंगल के बीच में कॉर्बेट के निकट इतनी शानदार जगह कहाँ मिला गया, कोशी का तट, रेलवे लाइन नज़दीक, अब तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उधम सिंह नगर में, पंतनगर में, तो ये सब चीज़ें हैं, ये बड़ा खेल है इसके पीछे। अभी हाल ही में इन्वेस्टर समिट हुई प्रदेश में और ग्राउंडिंग को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री बात करते नजर आए। प्रदेश में 600 कुछ ऐसी औद्योगिक इकाई हैं जिनको केंद्र ने हाल ही में सब्सिडी देने से इनकार कर दिया है, जिससे काफ़ी जो उद्योगपति हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है और धीरे धीरे इसका असर उत्तराखंड की इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। सैकड़ों इकाइयां बंद हो रही, कुछ उन्हें अपने वहां बड़ी इकाइयों ने अपने वहां छटनी कर दी है, सरकार को उसकी कोई जानकारी नहीं है, न जानकारी लेना चाहते हैं, सब काम चुपके चुपके हो रहा है। और इधर इन्वेस्टर समिट के नाम पर हम तो इतना डरे हुए हैं, एक इन्वेस्टर समिट 2018 में हुई थी, उत्तराखंड की ज़मीनें उसके बाद धड़ल्ले से बिकनी शुरू हुई, अब ये इन्वेस्टर समिट के नाम पर जो ग्राउंडिंग हो रही है, पता नहीं आइडिया ऑफ उत्तराखंड की ग्राउंडिंग हो रही है या जो है किस बात की ग्राउंडिंग करने जा रहे हैं, ये तो ग्राउंडिंग होगी, अंडर ग्राउंडिंग होगी तो भगवान जाने, लेकिन यदि वास्तव में कुछ धरती पर आती हैं, उद्योग आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नाचते कूदते सब चीज़ें सामने आएंगी, देखेंगे।
एक आखिरी सवाल है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर एक सशक्त भू कानून लेकर आएंगे, जिसके चलते उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो 250 मीटर जमीन खरीदने का पहले प्रावधान था किसी एक परिवार के द्वारा, उसकी भी जांच की जाएगी कि कहीं एक परिवार ने एक से ज्यादा लोगों के नाम पर तो जमीनें नहीं खरीदी। बयान देखा, बड़ा सख्त बयान है और मुख्यमंत्री ये समझ गए हैं कि भाजपा का ये पाप भाजपा के लिए भविष्य के लिए बड़ा भारी पड़ने जा रहा है और इसलिए वो आप भू कानून लाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो जनभावना का भू कानून होना चाहिए। अब देखते हैं क्या करते हैं, अभी तक तो केवल सब्जी सप्ते हैं और उसके बाद जब कुछ सामने आएगा तो कानून लाएंगे तो देखेंगे किस तरीके का कानून लेकर के आए हैं, तब उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन जितना विलंब कर रहे हैं भाजपा का पाप उतना ही घना होता जा रहा है। ये पाप है भाजपा का जो उत्तराखंड के साथ किया है इन्होंने यहाँ की जमीनें बिकवाने के लिए 2018 में, उस पाप का जो है वो पाप ब्याज सूद चक्रवर्ती सूद के तरीके से भाजपा के ऊपर चढ़ रहा है। तो धामी जी जब रोक दें इसको नया कानून ला करके तब देखेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, जिन्होंने मोहान फैक्ट्री को लेकर के बड़े सख्त शब्दों में कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार को इस पर रोक लगानी होगी, अन्यथा उनको कांग्रेस के साथ साथ जनभावना का ख्याल रखते हुए इसको करना होगा, वरना हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन शायद कुछ बड़ा होने वाला है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।